ये सवाल तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की वजह से अजय देवगन को थप्पड़ क्यों खाना पड़ा, और वो भी अपने छोटे से बेटे युग से। ऐसा क्या हो गया था कि युग ने पापा को थप्पड़ जड़ दिया? तो चलिए, देर किस बात की है, आइए सुनाते हैं आपको क्या है पूरा किस्सा। पापा अजय को थप्पड़ मार चुके हैं छोटे से युग। परिणीति की वजह से सिंगम को खाना पड़ा था बेटे से चांटा। दरअसल इस किस्से का जिक्र खुद अजय देवगन ने ही एक इंटरव्यू में किया था। ये पूरा माजरा अजय देवगन की साल 2017 में आई फिल्म गोलमाल अगेन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। वहीं इस इंटरव्यू में अजय से पूछा गया था कि गोलमाल अगेन देखने के बाद उनकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था। तब अजय ने जवाब देते हुए कहा था, इस फिल्म की वजह से मुझे मेरे बेटे युग से थप्पड़ खाना पड़ा था। अजय ने कहा, गोलमाल अगेन देखते वक्त मेरी बीवी काजोल और बेटा युग दोनों काफी ज्यादा खुश थे। काजोल तो हंसना बंद ही नहीं कर रही थी। वहीं जब फिल्म का एक सीन आता है जिसमें परिणीति का निधन होता है, तो वो सीन देखते हुए मेरे बेटे युग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो मेरी गोद में ही बैठा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो वो मुझे थप्पड़ मार देता है और कहता है, मुझे रोता हुआ मत देखो, क्योंकि इस चीज से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो चाहता था कि कोई उसे रोते हुआ ना देखे, इसी वजह से उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। फिल्म गोलमाल अगेन के बारे में बताए तो ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। ये गोलमाल सीरीज का चौथा पार्ट था। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। अजय के अलावा इस फिल्म में अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, तुषार कपूर, नील नितिन मुकेश, परिणीति चोपड़ा और तब्बू भी थे। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। वहीं अजय के बेटे युग की बात करें तो उनका जन्म 13 सितंबर 2010 को हुआ था। वो अभी 11 साल के हैं। अक्सर अजय देवगन और काजल बेटे युग के साथ इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। वैसे भले ही युग 11 साल के ही हो, लेकिन वो अपने पापा अजय की ही कार्बन कॉपी है। एक्शन में तो वो अभी से मास्टर हो गए हैं। वैसे ये होना तो लाजमी भी है, क्योंकि युग के पापा के साथ साथ दादा वीर्य देवगन भी स्टंट के मामले में धुरंधर थे। कुछ समय पहले ही अजय के बेटे युग के स्टंट करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो एक हाथ के सहारे फ्लिप मारते हैं और कई सारे स्टंट्स करते देख रहे थे। बता दे, युग फ्री स्टाइल कार्टव्हील में भी एक्सपर्ट है। युग को राफ्टिंग और स्विमिंग का भी काफी शौक है। खुद अजय देवगन मानते हैं कि कई मामलों में उनके बच्चे उनसे आगे हैं। एक और इंटरव्यू में अजय ने बताया, युग टेक्नोलॉजी के मामले में काफी माहिर है और फोन से जुड़ी हर प्रॉब्लम को मिनटों में ठीक कर देते हैं। अजय की बेटी की तारीफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, वो भी एक नेक काम की वजह से। दरअसल जब युग का 10वां जन्मदिन था, तो उस मौके पर अजय देवगन ने अपने बेटे की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें युग पौधा लगाते नजर आए। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अजय देवगन को जवाब देते लिखा था, मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि आपके बेटे युग ने अपना बर्थडे वाला दिन प्रकृति को समर्पित कर दिया। इस उम्र में ऐसी जागरूकता सराहनीय है। युग से पहले अजय देवगन और काजोल के घर बेटी नयासा ने जन्म लिया था। नयासा और युग के बीच करीब 7 साल का अंतर है। अजय देवगन और काजोल की शादी साल 1999 में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।